हेलो जी, नमस्ते भाई, उनके बाद मैं हूँ आपका पीएम के ब्लॉग। आइए कुछ ना देखते हैं। ओके, सो अभी बजे 2:37 एंड भाई आज ये वाली पीजी में मेरा लास्ट डे। ये ब्लॉग मैं स्पेशली बना रहा हूँ ऑब्वियसली मेमोरीज बनाने, बिकॉज यहाँ पे मैं अपने लाइफ के 2 साल दिया हूँ ये वाले पीजी में एंड लेजिट मैं छोड़ के जा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस। एंड भाई ऐसा कुछ दिखता था मेरा रूम, ये लेजिट मैं अपने बुढ़ापे में देखूंगा तब ज्यादा बड़ा मजा आएगा। तो पैकिंग करती है एंड कल सुबह 7 या 8 बजे छोड़ के जाना है वाला पीजी। एंड लेजिट यार ये वाली पीजी को मैं मिस करूंगा भाई, लेजिट मन नहीं कर रहा। लेकिन भाई तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास नहीं क्या अमिताभ बच्चन सर का ऑटोग्राफ है, जब मैं KBC गया था, आई गेस 1 साल पहले हो गया, लेकिन अभी भी संभाल के भाई। ये सब मेरी बुक्स है जो मैं पढ़ता हूँ एंड ऑलमोस्ट मैंने सब पढ़ ही लिए। भाई ये वाली जो तुम लोग टोपी देख रहे हो ना, ये मेरे को मिली थी, मैं जब फर्स्ट ईयर में बर्थडे मेरा था ना तब मेरे दोस्त लोगों ने लाया था एंड ये लेजिट मैंने तब से संभाल के रखी है। भाई पूरा खाली करते, एक बैग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बैग फाइनली पूरा क्लियर हो गया। बस ये वाला थोड़ा सा बाद में लेके जाऊंगा, मैं मिलता हूँ कल सुबह, बाय। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, फाइनली पूरा पैक हो गया एंड मैंने सामान क्लियर कर दिया, बस थोड़ा सा मैसअप बाकी है। एंड भाई ये जो पीछे वाली वॉल है ना, लेजेंड मेरे को निकालने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एंड ये निकालते अभी। मन नहीं कर रहा है निकालने का, ये पता है जब मैं पहले दिन आया था ना, बस उसके 1 हफ्ते बाद से लगी हुई है, तब से लगी चाहे। अच्छा, मैं तूने ही लगाई? हाँ, ये मेरे को मिला था अपने गार्डन में। इतने दिनों बाद ये प्लेन दीवार देखी भाई, खाली बहुत लगता है, बाकी सब जाने दो। यस बॉय, फाइनली हार्ट बीट ऐसी फास्ट हो गई ना कि क्या बताओ तुम लोगों को। जहाँ पे तुम 2 साल से रहे हो ना, अपने लाइफ के 2 साल दिए हो, छोड़ने का मन नहीं करता वहाँ पे लेजिट। अब पता नहीं तुम लोग को फील हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा व्लॉग के थ्रू, लेकिन मेरे को जो लग रहा है ना वो मैं तुम लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है लेजिट, बहुत बुरा। यहाँ पे इतनी सारी मस्ती की है ना, मैंने, सैम ने, आर्यन के साथ बिरयानी खाना, तारक मेहता देखते देखते डांस करना, बाजू साहिल और निहार के साथ उनके रूम पे बैठना, बातें बातें करना, मज़े मारना, स्वागत भैया थे और नागू भैया थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, रहे बहुत बुरा लग रहा है। भाई अभी मैं जा रहा हूँ, पीयूष मेरा एक दोस्त है उसके पास में। इतना बड़ा विषय हो गया ना, देखो भाई रास्ते पे आ गया हूँ मैं। हाँ जी बॉस, मैं आया हूँ अभी मेरे साथ पीयूष भाई, अपने को पूरा बचा लिया, नहीं तो भाई आज अपना पूरा रास्ते में रहने का प्लान था। मैं लेजिट तू नहीं कर रहा, वही लेने वाला था मैं आज के दिए बिना बंदी के, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं अभी इसके फ्लैट पे। ओ भाई सेक्सी व्यू हा भाई, स्विमिंग पूल पे था, तुमको दिखेगा नहीं पता नहीं, ये जो तुम लोग देख रहे हो ना ये पूरा रावेज साइड में ही आता है। हाँ जी भाई, अभी नहीं क्या जस्ट इधर बालकनी में बैठा हूँ, यहाँ पे मस्त बिस्तर इस तरह लगा है। अभी फिलहाल पीयूष के यहाँ पे रहूँगा, आई मीन ये वाले फ्लैट में रहूँगा 2-3 दिन एंड उसके बाद मैं चेंज करने वाला हूँ मेरा जो फ्लैट रहेगा वो। हेलो जी, कैसे हो, आई होप सब सही होंगे। बॉस आज की डेट है 9 तारीख एंड आज ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया मेरे को, मैं दोस्त के फ्लैट पे रह रहा हूँ एंड फाइनली ये 1 हफ्ते में नहीं गया मेरे को, मेरा फ्लैट भी मिल गया है जो कि आज मुझे शिफ्ट करना है। और मेरी बस पैकिंग वैकिंग चल रही है यहाँ पे एंड थोड़ा सा बैग इधर रखा हुआ है। एंड भाई ये वाला फ्लैट में रह के इतना मज़ा आया ना लेजिट, हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मस्ती की है ना ये पूरे 1 हफ्ते में भाई, बहुत मज़ा आया। और मैं तुम लोगों को ये वाले ब्लॉग में ओली से भी मिला था। ओली
वो सो रही है इसलिए अपन उसको डिस्टर्ब नहीं करते। एंड भाई लेजेंड, हम लोगों ने इतने डांस किए ना यहाँ पे, इतने मस्ती किए, रात को पबजी खेले दो दो तीन तीन बजे तक के, मैगी बनाई, पास्ता बनाया। तुम लोग मानोगे नहीं, जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था ना, मेरे को इतना बेकार सा लग रहा था ना, मतलब इतना लोनली फील कर रहा था मैं, कुछ बोलने का नहीं मन कर रहा था, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, जस्ट ऐसे ही सोच रहा था कि भाई क्या हो गया एकदम से अपना, मतलब जो मैंने पीजी छोड़ा ना बॉस, बहुत मतलब अटैचमेंट हो गया था यार, मैं 2 साल से ऑलमोस्ट रह रहा था वहाँ पे, था ऐसा लग रहा था कुछ तो भी मिसिंग है भाई। ठीक है, 1-2 दिन लगा मुझे रिकवर होने में, लेकिन फाइनली अब मैं हो गया। एंड यस, अब अपन ने नया फ्लैट ले चुके हैं, अभी अपन वहाँ पे जा रहे हैं, मैं ओला वगैरह बुक कर रहा हूँ। ये देखो, ये हमारा इन्वेंटरी है, पहले ये किचन में था, अभी ये बालकनी में आ चुका है। बस ये जो मेरे को जो नया वाला फ्लैट जो मिला ना, उसकी भी एक नई कहानी है, मैं बताता हूँ कैसे मिला। सो ये हफ्ते मैंने क्या, मैं ढूंढ रहा था फ्लैट, मिल नहीं रहा था, सो मैंने सोचा क्यों ना अपना सोशल मीडिया में थोड़े से है फॉलोअर्स छोटे मोटे, तो क्यों ना उसका यूज किया जाए। तो मैंने एक स्टोरी डाली भाई कि देखो बॉस मेरे को एक अपार्टमेंट की जरूरत है, एंड भाई लेजेंड एक सब्सक्राइबर अपने को मिल गए, उसने बोला भाई मैं एक फ्लैट में ढूंढ रहा हूँ, अपन चलते हैं वहाँ पे फ्लैट देखते देखते, एंड पसंद आया तो तू ले लेना। फिर क्या भाई, उसके बाद अपन फ्लैट देखने गए, एंड फ्लैट अपने को बहुत पसंद आया, मतलब मैं एक नया टूर वीडियो भी बनाऊंगा तो उसमें तुम लोगों को प्रॉपर मिलेगा, अभी बस ऊपर ऊपर से दिखा दूंगा। बाय द वे, जो हॉस्टल में रहता है ना, उनको मैं एक चीज़ की कलेक्शन बताता हूँ जो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो ऑब्वियसली फ्लैट में रहते हैं। भाई बड़ी मेहनत चीज़ है यार ये, शिफ्ट करना भी बड़ा टेंशन का काम है। लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए, लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। गाइस ये हर्ष है, ये रोहित है, स्टोरीज वाला इंस्टाग्राम की स्टोरी देख के जो आया था, ये बंदा है वो, ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ आराम से, ठीक है, वीडियो में तो फिर कभी मतलब आराम से दिखाऊंगा, अभी पहले अच्छे से पैक अनपैक कर दूँ, फिर मैं आराम से बात करता हूँ। ओके गाइस, तो रात के अभी कुछ बज रहे हैं 10:30, एंड ये वाला व्लॉग यहाँ तक के रखते हैं, आई होप आपको मजा आया होगा ये देखने में। ये व्लॉग बनाने का मेन रीजन मेरा यही था कि भाई ये 10-20 साल बाद में जब देखूंगा तब बहुत मजा आएगा। एज ऑलवेज थैंक यू बिल्स एंड दिस, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चांस टू मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग, गुड बाय, बूम।